क्या हालचाल है दोस्तों। और दोस्तों आज हमारे पास में डब्बे का प्रसारण हो चुका है दोस्तों। ये जो है होम थिएटर है, ठीक है, फिलिप्स की तरफ से दोस्तों आने वाला होम थिएटर है, ठीक है। आज जो इसकी जो अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग तो नहीं भाई रिव्यू हो पाएगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग जो है मैंने इसकी जो है अभी 7 दिन पहले जो है कर ली थी, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है पूरा का पूरा एकदम जो है बढ़िया प्रोडक्ट जो है मिल सके, अगर आप मेरी जो है वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि इसका जो है क्या बेनिफिट होता है कि भाई अगर मैंने अगर यूज़ कर लिया है तो मैं जो है अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, आपके लिए लेना वर्थ है या नहीं लेना वर्थ है। तो आज जो है ये फिलिप्स के जो है होम थिएटर की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और बताऊंगा आपको कि क्या ये लेना वर्थ है, बेस वगैरह कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी है, सारी की सारी चीज़ चेक करी जाएगी दोस्तों। तो एंड तक बने रहना मेरे साथ वीडियो में। व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम निवेश भाजन, आप लोग देख रहे हैं टेक गाइस, और फटाफट से स्टार्ट करना है इस वीडियो को। तो भाई देखो ये है वो फिलिप्स का स्पीकर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों आप जो है देख सकते हैं इसकी जो है ब्रांडिंग वगैरह जो है दी गई है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर जो है ऊपर में जो है दोस्तों लिखा गया है USB कनेक्टिविटी, साथ ही FM रेडियो का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है भाई। और दोस्तों इसको जो है फटाफट से आप जो है निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने आ जाते हैं दोस्तों ये नीले कलर के चक्रे वाले डब्बे, पूरा काला है दोस्तों, कोयले से भी ज़्यादा काला पूरे के पूरे दोस्तों काले डब्बे, कोयले से भी ज़्यादा काले मजाक कर रहे थे दोस्तों। दोस्तों ये है वो, सबसे पहले इसको जो है अपन जो है बाहर निकाल लेते हैं भाई। तो दोस्तों ये रहा वो फिलिप्स के सारे स्पीकर, और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है ये वूफर, काफ़ी ज़्यादा भारी है भाई। तो इसको भी जो है पहले जो है निकाल लेते हैं इसमें से बाहर। और दोस्तों इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है दोस्तों ये पुस्तकें, जो कि कोई पढ़ता नहीं तो अपन भी जो है इसको जो नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब डायरेक्ट जो है दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों ये रहा सामने से दोस्तों आप जो है देख सकते हैं वूफर, ठीक है। साइड में इसके अंदर जो है दोस्तों USB कनेक्शन लगाने की जगह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी, FM रेडियो, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जो है दोस्तों आप जो है यूज़ कर सकते हैं भाई। और पीछे की तरफ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑक्स के लिए, DVD के लिए, अपने TV को कनेक्ट करने के लिए, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके जो है ये पांचों स्पीकर जो है कनेक्ट होने के लिए जो है जगह दी गई है। और दोस्तों ये ऊपर में जो दोस्तों जो जगह दी गई है यहाँ पर, एक मिनट में आपको बता दूँ, इसके अंदर जो है दोस्तों आपको जो है एंटीना को जो है प्लग करना है, ठीक है, FM रेडियो के। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्पीकर की तरफ। तो दोस्तों स्पीकर जो है आप देख ही सकते हैं पास से, एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं स्पीकर की क्वालिटी। और दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये येलो कलर का जो है, क्या बोल सकते हैं इसको, पिन, ठीक है, इसको जो है प्लग करने के लिए इसके अंदर, ठीक है, जो TV के अंदर जो यूज़ होती है वही वाली पिन है। और ये जो है भाई 5 पिन है इसके अंदर, क्योंकि 5 जो है इसके अंदर जो है स्पीकर लगेंगे, ठीक है, इस वूफर के अंदर। तो दोस्तों इनको भी जो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये निकाल लिए। और दोस्तों ये है दोस्तों ये पिन, ये जो है आपकी TV से कनेक्ट करने के लिए, मतलब इस स्पीकर को आपको जो है TV से भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये रहा इसका जो है रिमोट। रिमोट की दोस्तों अगर मैं आपको दोस्तों क्वालिटी बताऊं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी भी ज़्यादा दोस्तों कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, ठीक है भाई, मतलब काम चलाने वाली क्वालिटी है। और सेल इसके अंदर जो है दोस्तों AAA साइज़ के जो है सेल लगेंगे, ठीक है भाई, जो आपके पेंसिल सेल जो आते हैं वो वाले। और इसके अंदर जो है दोस्तों और कुछ खास तो है। तो आप दोस्तों फटाफट से इसको जो है सेटअप कर लेते हैं और साथ ही देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और जो साउंड क्वालिटी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा तबाही है, आप सुन सकते हैं, मुझे आवाज़ भी नहीं आ पा रही इसके कारण। तो दोस्तों मैंने जो इसकी जो साउंड क्वालिटी को जो है टेस्ट कर लिया है। और दोस्तों अब बात करते हैं क्या ये स्पीकर जो है लेना वर्थ है। तो भाई अगर सही सही दोस्तों अगर बात करूं तो भाई ये स्पीकर जो है लेना वर्थ नहीं है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि दो स्पीकर जो है भाई बेस के मामले में जो है बिल्कुल जो है, मतलब मैं बोलूँगा कि बेस जो है वो इसका जो है कुछ भी जो है अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी जो है दोस्तों बेस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और होम थिएटर लेने का मतलब ये होता है कि भाई अच्छा जो है बेस आए।
और एक जो है आपको जो है साउंड के अंदर दोस्तों क्लैरिटी बहुत है, लेकिन भाई साउंड के अंदर जो है लाउडनेस नहीं है। अब दोस्तों 4,500 रुपये का दोस्तों ये जो है स्पीकर आता है, और अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है चाहेंगे कि साउंड जो है लाउड हो और भाई जो बेस हो वो आपको जो है अच्छा मिले। दोस्तों फिलिप्स का है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन भाई जो मिड्स है और जो और अच्छे हो सकते थे, और दोस्तों जो बेस है वो भी जो है इतना ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो है स्पीकर जो है काफ़ी बढ़िया है। आप अगर लेना चाहें दोस्तों मैंने जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दिए। देखो भाई ये जो चैनल है ये जो है कोई भी जो है प्रमोट नहीं करता किसी हर चीज़ को, क्योंकि भाई मैं जो है पहले खुद पर्सनली यूज़ करके देखता हूँ कि भाई चीज़ जो है अच्छी है कि नहीं, उसके बाद में ही दोस्तों मैं जो है आगे जो है इसको जो है प्रमोट करता हूँ। तो दोस्तों स्पीकर जो है वो इतना भी जो है दोस्तों अच्छा नहीं है, फिर भी जो है दोस्तों आपको मैंने अगर आप परचेस करना चाहते हो इसकी जो लिंक है वो जो है डिस्क्रिप्शन में। बस दोस्तों इतने था आज की वीडियो में, होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ उसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।